हेलो फ्रेंड्स, आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि पशुओं के गोबर में बदबू आ रही है तो उसका क्या समाधान करें। आज आपको मैं बताऊंगा कि गोबर में बदबू आ रही है तो उसका समाधान क्या करना है, कैसे करना है और क्या देना है। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहले हम पशु की डीवर्मिंग करवाएंगे, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देंगे। पेट के कीड़े की वजह से ही पशु के गोबर में बदबू आती है। यदि आपका पशु गाभिन है तो फेनमेंडाजोल 3 ग्राम की बोलस आती है, वह दें सबसे पहले। आप यह बोलस कोई भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बोलस सुबह खाली पेट देनी है, यानी पशु को खिलाना पिलाना नहीं है। पशु को यह बोलस देने के बाद आपको 3 से 4 घंटे के लगभग उसे भूखा रखना है। आप यह बोलस देने से पहले शाम को 50 से 100 ग्राम गुड़ जरूर खिला दें। उसके बाद सुबह खाली पेट यह बोलस दें। पहला काम तो आपको यही करना है। और दूसरा कारण क्या होता है, रूमन की पीएच। यदि रूमन की पीएच मेंटेन नहीं होगी, यानी रूमन की पीएच कम हो जाएगी तो ही गोबर में बदबू आने लग जाएगी, और या उसकी पीएच ज़्यादा हो जाएगी तो ही गोबर में बदबू आने लगती है। दोनों ही कंडीशन में यह होता है। सबसे पहले आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से पशु की रूमन की पीएच को जांच करवा लें कि रूमन की पीएच कितनी है। यदि रूमन की पीएच कम है तो एसिडोसिस हो गया, तो उसे आप मीठा सोडा दें। यदि रूमन की पीएच ज़्यादा होगी तो उसे एल्कोसिस है, तो आप उसे विनेगर दें, यानी उसको सिरका पिलाएं। सिरका आप 200 ml सुबह, 200 ml शाम को दे सकते हैं। मीठे सोडे की और सिरके की मात्रा उसके रूमन के पीएच के अनुसार दी जाती है। आप उस हिसाब से पशु को सिरका और मीठा सोडा दे सकते हैं। और तीसरा काम आपको यह करना है, उसे मिनरल मिक्सर दें। यदि आप मिनरल मिक्सर उसे पशु को रेगुलर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप नहीं दे रहे हैं तो अच्छी कंपनी का कोई भी मिनरल मिक्सर पशु को अवश्य दें। मिनरल मिक्सर आपको 50 ग्राम ही देना है, 50 ग्राम से ज़्यादा न दें। आपको इससे बहुत अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहला काम आपको डीवर्मिंग करानी है। दूसरा काम आपको, यदि पीएच कम है तो मीठा सोडा दें, यदि पीएच ज़्यादा है तो आप विनेगर दें या सिरका दें, और तीसरा काम आपको मिनरल मिक्सर का देना है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।